का भीष्म भगवान से जाकर कुछ हो गया और सुशीला बिलख बिलख करके रोने लगी और कहा अब हम पर ये गरीबी देखी नहीं जा रही। जब छोटे छोटे बालक अपनी माँ के पास में आते, माँ मुझे भूख लगी है, माँ भूख के मारे मेरी जान जा रही है, तो आज सुशीला रो करके कहने लगी, बेटा अगर तुम अपनी माँ के सामने रोटी के लिए चिल्लाओगे और रो करके आओगे श्याम, तो ये मेरा हृदय फट जाएगा। आज सुशीला बिलख बिलख करके रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि पति देव, तुम अगर तुम्हारा बचपन का मित्र है वो सुदामा, तो कन्हैया से जाकर के कह देना अगर वो तुमसे रूठे हो कन्हैया, तो कन्हैया को रूठे हुए कन्हैया को मना लेना। आज सुशीला अपने पति से बार बार यही कहने लगी और कहा स्वामी जाओ चले द्वारिका को, कि स्वामी जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा करते हैं।
महाराज सुशीला ने ही अपने पति से बारह दर्शन किया। वह इतना कहकर के तब सुदामा ने कहा, सुशीला एक काम करो, अगर हमें द्वारकापुरी जाना है तो मेरा कन्हैया बचपन का मित्र है सुदामा, सुदामा का मित्र है वो कन्हैया, जब तक उसके लिए बैट लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक मेरा कन्हैया का प्रेम दूर हो जाएगा। आज सुशीला ने कहा, पतिदेव मैं किसी सखी से जाकर तुम्हारे लिए भीख में कहीं से चावल लेकर के आऊंगी, तो वही चावल ले जाओ, और इससे सरल कोई चीज नहीं हो सकती है, हर प्राणी मुझे भीख में चावल दे भी सकता है। तो आज सुशीला एक सखी के पास में गई, कहने लगी, बहन मेरे पति द्वारकापुरी को जा रहे हैं, मुझे भीख में चावल दे दो, मुझे भीख में चावल दे दो। कहने लगी, चली जाए यहाँ से, क्या तेरा पति कमा करके रख गया जो तू रोजाना भीख मांगने के लिए आ जाती है। सुशीला को वहाँ से भी भगा दिया। दूसरी सखी के पास में गई, सुशीला को वहाँ से भी धक्का लगा दिया। तीसरे दरवाजे पर पहुंची, सुशीला को वहाँ से भी भगा दिया। इस प्रकार से सारे मोहल्लों में गलियों में घूमी, लेकिन सुशीला को एक मुट्ठी भी चावल किसी ने नहीं दिया। तब भगवान कन्हैया को सुशीला ने फिर बुलाया, कहा